यूपी के जनपद आगरा से एक बड़ी खबर आपको बता दें। यूपी के जनपद आगरा में बिजली की समस्या को लेकर के ग्रामीणों ने एसडीओ कार्यालय का घेराव किया। दर्जनों की संख्या में महिला एसडीओ कार्यालय के गेट पर बैठ गई। ग्रामीणों का कहना है कि आए दिन लाइन फॉल्ट होने से गांव में विद्युत कटौती से ग्रामीणों को बिजली पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। इसी समस्या को लेकर के शमशाबाद क्षेत्र के गांव अलीनगर से बड़ी संख्या में महिलाएं शमशाबाद एसडीओ कार्यालय पहुंची और समस्या के स्थायी समाधान की मांग की। वहीं उपखंड अधिकारी शमशाबाद बी के सिन्हा ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि जल्दी समस्या का समाधान करा दिया जाएगा। शमशाबाद से हमारे सहयोगी रवि निगम की खास रिपोर्ट। 110 वोल्टेज आते हैं उसमें, उसमें भी आए दिन फेस उड़ जाता है और ये जोड़ते भी नहीं है। हम डीपी रखवाने की कह रहे हैं लेकिन ये मना कर रहे हैं कि हम डीपी नहीं रखेंगे। हमारी समस्या ये समझ नहीं रहे हैं। अगर ये हमारे गांव एक रात रुक के देखे तो हम बता दें, एक रात रुक जाएं। अलीनगर गांव में एलटी लाइन का तार टूट गया है तो उसको इसकी वजह से थोड़ी सप्लाई बाधित हुई है, तो लोग पानी में उसकी गर्मी में समस्या हुई है, तो तार जोड़ने के लिए स्टाफ भेज दिया गया है। सप्लाई अभी सुचारू हो जाएगी। बाकी अगर कोई पुराने तार हैं या कोई इस तरह है उनको बदलवा दिया जाएगा जल्दी। तो क्या आश्वासन दे दिया आपने? आश्वासन दे दिया है। प्रधान हैं और कुछ महिलाएं हैं, वो परेशानी लेकर अपनी आई हैं, पानी की समस्या और तार टूटने की समस्या, तो उस तार जर्जर तार को बदलवा दिया जाएगा।